बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बनने जा रहा है वो ज़बरदस्ती फ्राइड फिश, स्पाइसी फिश बनने जा रही है। और इसके लिए मैंने 2 किलो जी सुरमई फिश लिए। और इसके अलावा जो फर्दर इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, ये 6 टेबल स्पून अदरक लहसुन, ये फ्रेशली मैंने इसको अभी पीसा। और ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 3 लेमन लिए थे बड़े साइज़ के, उसका जूस है। ये कसूरी मेथी है, इसको तवे पे मैंने भून लिया था। और ये जो आप मसाला देख रहे हैं, ये स्पेशल किस्म का, इसमें मैंने 3 टेबल स्पून भर के मैंने साबित धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा और 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन लिए थे। इसको रोस्ट किया था तवे पे और इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिए, ज़्यादा पाउडर, फाइन पाउडर नहीं बनाया। और ये 2 टेबल स्पून मेरे पास सोया सॉस है। इसके अलावा ये 3 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है, भर के नहीं लिया है, 3 टेबल स्पून और बिल्कुल लेवल समझ लें आप, 2.5 टेबल स्पून के करीब मैंने ये साबित लाल मिर्च लिए। इसके अलावा फर्दर स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, ये 1.5 टेबल स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला है, तकरीबन हाफ टी स्पून है ये, और ये काले मिर्च 1/4 टीस्पून। अब इसको हम मैरिनेट करते हैं फॉर अबाउट 6 आवर्स। और क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रे ले लें या बाउल ले लें, सब टू यू। इसके अंदर हम लेमन डाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अदरक लहसुन आ गया, अदरक लहसुन से फिश की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये तमाम स्पाइसेस, सोया सॉस ठीक हो गया, साबित लाल मिर्च। अच्छा, आपको अगर स्पाइसी लग रहा है तो आप मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें अजवाइन भी डाला था, आपको मैंने अभी बता दिया था। और ये कसूरी मेथी से अच्छा टेस्ट आ जाता है, और अजवाइन, अजवाइन तो ख़ास तौर से बहुत अच्छा टेस्ट देता भी है इसको। ये देखेंगे, ये मसाला हमारा तैयार हो गया। और अच्छे टेस्ट के लिए, कि आप चाहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त और टेस्ट हो, तो ये 24 आवर्स के लिए भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप, अब ये जी, अब हम इसको फिश पे लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसी मोमेंट पे इसका ज़बरदस्त सा कलर। अच्छा जी, ये हमने ली फिश, अब इसको एक एक करके हम बस लगा लेंगे इसको, और फिर 6 आवर्स के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। सारे ही इस पीसेस पे हम लगा लेंगे, ये देख सकते हैं आप, बड़े बड़े पीसेस हैं ये ज़बरदस्त से, और इसको फिर अच्छा सा फ्राई करेंगे। ये देखेंगे, अच्छा मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको मिर्चें आप कम लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 2 किलो की मछली ली थी मैंने, तो इसको अच्छा सा जी हम सबको मसाला लगा लेंगे और फिर हम इसको रखेंगे। तो चले इसको हम मसाला लगाते हैं और आपसे मिलते हैं 6 आवर्स बाद। चलें जी, अब हम इसके लिए एक बैटर तैयार कर रहे हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमने तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि नमक हमारे बाकी सॉसेस से भी है। और ये अजवाइन है, ये भी पिंच के करीब है, ठीक है, ये इसमें शामिल कर लिया। तो नमक मैंने आपको बता दिया कि 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम ही है। 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ले लिया है, क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी नमक है, तो फिर हमने कम डाला है इसमें, और फिश में तो ऑलरेडी है। ये हमारे पास आ गया चिली सॉस, और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा है जो मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लें चावल को सिंपली लेके, ठीक है, ताकि ये क्रिस्पी करेगा आपकी फिश को। अब इसको हम अच्छा सा हाथ की मदद से मैरिनेट, के इसको बैटर बनाते हैं, पानी ऐड करते हैं। ये देखें आप, ज़बरदस्त सा बन रहा है, और फिश को हमारे तकरीबन 6 घंटे हो गए। ये देखें, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी। तो हमने थिन सा बैटर बनाना है, तो इसमें पानी आप देख लीजिएगा कि पानी तकरीबन अभी 1.5 ग्लास लग चुका है, और थिन सा बैटर बनाएंगे इसमें। ये देखेंगे, अच्छा इसमें आप चाहें तो फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, ये फूड कलर भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें जो लम्स आ रहे हैं उसको साथ साथ आप हाथ की मदद से तोड़ते जाएं। ये देखें, तो हमने कोई गाढ़ा सा बैटर नहीं बनाना, हमने जी बहुत ही थिन, मतलब इतना थिन हो के फिश को संभाल ले। तो हमने क्या किया है कि इसमें पानी डाला है तकरीबन 1.5 ग्लास के करीब इसमें पानी गया है, ठीक है। ये देखें जी, इसमें हमने फूड कलर भी शामिल करना है, जो मैं इसमें कर दूँगी अभी। ये देखें जी,
फूड कलर इसमें पिंच के करीब आप इसमें शामिल करेंगे, तो इतना काफ़ी है, इतना थिन काफ़ी है, देख सकते हैं आप, ठीक है, इतना थिन काफ़ी है। अब मैं इसमें फूड कलर शामिल कर रही हूँ। अब इसमें हम पिंच के करीब फूड कलर इसमें हमने शामिल कर दिया, ये देख सकते हैं आप, अच्छा सा कलर आ जाएगा। आपको अगर कलर कम लग रहा है तो आप फर्दर इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलें, फिश को हमारे 6 घंटा हो गए, अब इसको हम फ्राई करते हैं। चलें जी, ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और ये हमारे 6 घंटे हो चुके हैं फिश को। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमारे 6 आवर्स कम्प्लीट हो चुके हैं, अब हम इस बैटर में फिश को डालेंगे। ठीक हो गया, ये देखें, और इसको थोड़ा सा हम इसको साफ कर लेंगे, बस हल्का सा फिल्म लेयर हमें सिर्फ लगानी है, 10 फिल्म लेयर। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह माने रहिए, दूर रहिएगा क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है, और इस वक्त ऑयल को हमने तेज गर्म रखा हुआ है क्योंकि ऐसे ना हो कि बैटर हमारा सेपरेट हो जाए फिर से। ठीक है, तो इस पर हमारा ऑयल हमने हाई फ्लेम पे ही गर्म कर लिया। इसी तरह दूसरी फिश मैंने ली है, और ये आप देख सकते हैं बैटर को थोड़ा सा हमने इस तरह से अलग कर लिए ताकि एक थिन फिल्म कोटिंग हमारी फिश की हो जाए, तो थिन लेयर हमारी कोटिंग हो जाए। इस तरह मैंने दूसरी फिश भी डाल दी इसके अंदर, बिस्मिल्लाह, एहतियात से काम करिएगा, फ्लेम को मैं करी हूँ लो, और ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे। ठीक है जी, मैं छोटी सी कोई फिश देख लेती, छोटा सा पीस मैंने ले लिया इसका ताकि ज़्यादा ओवर क्राउड ना हो जाए। ये देखेंगे इसी तरह को हमने थोड़ा सा इस तरह कर लेना है, और एहतियात से डालिएगा, बिस्मिल्लाह, ये देखेंगे ठीक हो गया। अब हमें तकरीबन 2-3 मिनट इसको हम कुक करेंगे, और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे, और ठंडा करने के बाद दोबारा फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक हो गया, अब ये देखें, अभी तक इसको टच नहीं करेंगे जब तक 1-1.5 मिनट ना हो जाए, क्योंकि इससे से बैटर निकलने का खतरा होगा। चलें, अब ये एक साइड कुक हो जाए तो मैं टर्न करती हूँ। चलें, इसको अब हम टर्न करते हैं, बहुत एहतियात से काम करिएगा, क्योंकि ये देखें ये टर्न हो गई, इसी तरह ये वाली को भी टर्न कर लेते हैं। ये देखिए टर्न कर लेते हैं, ये देखिए, अब बस इसमें से हल्का सा कलर आ जाएगा, फिर मैं इसको निकालूंगी। ठीक है, तो हमें इसको जो है, आप चाहें तो दोबारा भी प्रोसेस कर सकते हैं, और चाहें तो आप फ्लेम को स्लो करके इसको फर्दर कुक कर लें। तो मैं इसको दोबारा पहले इसको भी निकालूंगी, और फिर दोबारा ठंडा होने के बाद दोबारा इसको कुक करूंगी फॉर अबाउट 2 मिनट। चलें, इससे पहले हमने 2-3 मिनट कुक किया था, अब हम लो फ्लेम पे इसको 5-6 मिनट फर्दर कुक करेंगे ऑन अ लो फ्लेम। ठीक है ना, जो वही पे ठंडी हो गई थी ना, अब इसको तो जब हमारी ठंडी हो गई थी, अब इसको हमने फर्दर 5-6 मिनट कुक करना है, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज को करते हैं ना, इसी तरह बिल्कुल, तब ये मजीद जो है कुक होगी 5-6 मिनट, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी, ये थी आज की हमारी ज़बरदस्ती फिश रेसिपी। अच्छा, इसको आप बैटर के साथ भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो पैन फ्राई भी कर सकते हैं विदाउट बैटर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज़।